कोरोना लॉकडाउन के बाद करीबन सभी वर्गों का काम खुल चुका है, सभी से बंदिशें उठ चुकी हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा वर्ग है जिस पर सरकारी बंदिशें लगी हुई हैं। यह वह वर्ग है जो किसी न किसी माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता था। वह सुरीले गीत गाकर और नाच कर या धार्मिक आयोजन कर लोगों की मानसिक परेशानी और तनाव को दूर करता था, लेकिन आज यह वर्ग खुद मानसिक परेशानी से जूझ रहा है क्योंकि सभी आयोजन बंद हैं, आय के साधन खत्म हो चुके हैं, खर्चे कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों को खुशी देने वाले कलाकार आज तनाव से गुजर रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उनके साथ साथ डीजे और टेंट का काम करने वाले भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। छोटा कलाकार हो या बड़ा, जैसे हिमाचली मुंडा, विक्की चौहान, ममता भारद्वाज, सुशील कुमार, डोनी राणा, अनुज शर्मा, संजीव दीक्षित, सोहन सिंह, धीरज शर्मा, मोहित गर्ग, सुरेश वर्मा, पीयूष राज, परमजीत पम्मी ने एकत्र होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि वह उनके लिए कोई नीति बनाए और उनके व्यवसाय को सुचारू करने के लिए आगे आए। सभी कलाकार बेहद चिंतित हैं और उनका कहना है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि उनका व्यवसाय आगे भी नहीं चल पाएगा। ऐसे में उनका गुजारा कैसे होगा, यह एक बड़ी समस्या उनके समक्ष है जिसका वह प्रदेश सरकार से हल चाहते हैं। मैं तुम्हारा हिमाचली मुंडा, तो आज मेरी अपील और एक दरख्वास्त थी जयराम ठाकुर जी से, जो हमारे CM साहब है, और मोदी जी से कि सरकार जी अहाँ कलाकार खातिर भी थोड़ा कुछ सोची लो, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले साल भी अहाँ जड़े कलाकार बेचारे मतलब बेरोजगार है और तिनारा रोटी पानी भी बड़ी मुश्किल से चली रहा, तो तुम्हें एक दरख्वास्त थी भाई जड़े जागरण कर दे, कने कोई भागवत कर दे, है ना, तिना खातर थोड़ा जा तुम्हें सोचा कर तिना खातर कुछ टाइम तुम्हें दे दुआ, ताकि तिनारा भी घर बार चल सके, परिवार चल सके, क्योंकि आह कलाकार भी फैमिली है, घर बार है, परिवार है, रिश्तेदारी है, आहो भी सारे निभाना पौंदा, तो बड़ी मुश्किल हुई गिरी, कने एक टाइम मतलब रोटी करा गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हुई रहा, तुम्हें देख ही सका है। चलो अहाँ पता भी करोना पर कुछ आह कलाकार बारे च सोचा, कुछ टाइम हज देवा, मतलब चाहे जागरण हो चाहे कुछ भी हो, तो थोड़ा टाइम आह कलाकार कर, क्योंकि आहा के कोई सरकारी नौकरी नहीं भाई, जे बंद हुई गया सब कुछ तो पेमेंट आँदी रहनी, तो कुछ आहारे बारे सोचा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी भी कर गए पर कहाँ से कर रही है वो भी दिहाड़ी मजदूरी, ताजे आहारे सरकार मतलब काम ही बंद है, इतनी पहले पानी नहीं होया करता, बरखा नहीं होया करती, क्या खाना सरकार जी है, तो थोड़ा जा तू है आह कलाकार बारे सोचा। ममता भारद्वाज, जिस मुद्दे के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो है हिमाचली कलाकारों को रोजगार, तो आप मैं CM सर जयराम ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सर प्रोग्राम को स्टार्ट करवा दीजिए, हमारे मेले, हमारे जागरण स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे नवरात्रे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करवा दीजिए। हम सिंगरों को, हम आर्टिस्टों को, जितने भी डीजे वाले, साउंड वाले, बैंड, दरबार, सभी लोग आज भूखे होने की कगार पे हैं, भूखे रहने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ आप जागरण को स्टार्ट करवा दीजिए, मेले स्टार्ट करवा दीजिए। हाँ, आप अगर इंटरनेशनल मेले नहीं करवाना चाहते उससे उसकी कोई बात नहीं सर, लेकिन प्लीज़ आप प्रोग्राम को स्टार्ट करवा दीजिए, चाहे गैदरिंग कम ही हो, प्लीज़ सर हमारे बारे में कुछ सोचिए। मैं सुशील कुमार गोगी, गोगी बैंड ऑनर और एक म्यूजिक डायरेक्टर। नमस्कार, मैं डोनी राणा, एक सिंगर और एक वीडियो डायरेक्टर। हम दोनों हिमाचल की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करते हैं कि ये जो कलाकार वर्ग है एक साल से घर में बेरोजगार बैठा है, और हम चाहते हैं कि जयराम ठाकुर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्लीज हम कलाकारों के लिए कुछ करें, वो जल्द से जल्द कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढे, और कोई कम गैदरिंग में ही कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम खोल दे तो इसके लिए आपकी बड़ी महानता होगी। जैसा आपका नाम श्री राम से जुड़ा है तो आपकी छवि भी ऐसी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप इस हमारा साथ देंगे। तो और ये जो कलाकारों की आवाज है ये बहुत ही बुलंद है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जो आवाज है ये आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी,
सो हम कहना चाहेंगे जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू भारद्वाज, सिंगर म्यूजिशियन। मेरा हिमाचल सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से निवेदन है कि एक साल से हिमाचल के सारे कलाकार बेरोजगार हो चुके हैं। कृपया करके आप जितने भी बैन आपने हमारे कार्यक्रमों के ऊपर लगाए हैं, जागरण हो चाहे मेले हो, तो कृपया करके उन्हें थोड़ा थोड़ा खोल दें ताकि हम लोग भी अपनी आजीविका चला सकें। आपसे हमारा यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया करके हम कलाकारों की आवाज़ को सुने। नमस्कार सभी को। दोस्तों, COVID-19 के कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और हर वर्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन एक जो कलाकार वर्ग है जिसका अभी तक पूरी तरह काम ही नहीं खुल पाया है, एक साल से बिल्कुल ठप पड़े हैं, चाहे वो डीजे वाला हो, जो साउंड वाला हो, लाइटिंग वाला हो, टेंट हाउस हो और झांकी वाले हो, और जो मेरे जो कलाकार साथी जो ग्रामीण स्तर पर मेले में कार्यक्रम करते हैं और उससे अपनी आजीविका कमाते हैं, और जो जागरण करते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, उनमें बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने बैंक से ऋण लेकर के डीजे सिस्टम लिया है, साउंड सिस्टम लिया है, कुछ ने ऑर्केस्ट्रा के जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं, उन्हें किस्त तो दूर दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है। और पूरी तरह से मेला खोलना भी मुझे लगता कि सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस वर्ग के लिए कोई ना कोई पॉलिसी अवश्य बनाए। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम। मैं अपनी तरफ से और हिमाचल के सभी आर्टिस्टों की तरफ से, जो भी जागरण लाइन से जुड़े हैं, भागवत लाइन से जुड़े हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं हिमाचल के, श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी एक दो दिन में जो आप फैसला लें और कलाकारों के हित में फैसला लें, हमारे जागरण ओपन करवाएं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि एक कलाकार सच्चे दिल से उस माँ के दरबार से जुड़ा होता है, तो आपको दुआएं लगेगी सबको सबकी, आप ये यकीन मानना। क्योंकि हम भी रोज बाबा पूर्णहर जी के और माता रानी के चरणों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। हिमाचल ने आपको चुना है, सारे सब ने आपको वोट देके चुना है, तो आप मसीहा हैं, भगवान हैं, तो आप जरूर कलाकारों का जो है ये हमारी मांग पूरी करें। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष राज, एक हिमाचली गायक हूँ, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले एक साल से हमारे जितने भी कलाकार भाई हैं, ये जो भी लोग डेली काम करके खाने वाले हैं, सभी लोग एक साल से घर पे बैठे हैं, और जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और अब क्योंकि उनकी भी एक सीमा से बाहर हो चुका है काम, तो वो बहुत परेशान हैं, कई लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में भी प्रोग्राम होने शुरू हो गए हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी स्टेट्स ने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हिमाचली कलाकारों के लिए भी कुछ सोचा जाए, ताकि उनको, उनकी फैमिलीज़ को इससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।